यदि आप आज्ञा दे तो मैं कुछ। मैं जानता हूँ मुंजा, तुम उस ब्राह्मण के विषय में जानना चाहते हो ना? जी। उसके लड़के का विवाह है और मैंने सेनापति को वहाँ कड़ा पहरा लगाने के लिए क्यों कहा, यही जानना चाहते हो ना? जी महाराज। ये सब एक चुनौती के कारण हो रहा है मुंजा, जो मैंने वर्षों पहले स्वीकार की थी। कैसी चुनौती महाराज? सुनो, कई वर्षों पहले की बात है, मैं शिकार के लिए गया था। एक आदमखोर शेर ने जंगल के आसपास के गांव में आतंक मचा रखा था। उसे ढूंढते ढूंढते मैं थक गया था, प्यास के मारे मेरा बुरा हाल हो रहा था। एक कुआं दिखाई दिया, मैं पानी पीने गया और तभी। अरे बचाओ बचाओ बचाओ! अरे सुनो सुनो, क्या हुआ? ऐश बचाओ, भागो भागो, शेर शेर, आदम घोर शेर। क्या, कहाँ है? अरे ब्राह्मण देव, आ जाइए, अब डरने की कोई बात नहीं है, अब ये शेर आपको कुछ नहीं कर पाएगा, आइए। हे प्रभु, बहुत बचाया, आपने मेरी जान बचा ली। अरे अरे, आप तो हमारे महाराज विक्रमादित्य हैं। महाराज, आपने मेरी जान बचाकर मुझे नया जीवन दिया है। मैंने आप पर कोई एहसान नहीं किया, अपनी प्रजा की रक्षा करना एक राजा का कर्तव्य होता है। आप महान हैं महाराज, इस गरीब ब्राह्मण को अपनी सेवा का अवसर दें महाराज, मेरी कुटिया पास ही है यदि। हाँ, रात होने वाली है, चलिए आज का रैन बसेरा आपकी छत के नीचे ही करते हैं, चलिए। आइए आइए आइए। और उसके बाद मैंने जाकर उस ब्राह्मण के घर में संध्या स्नान किया और भोजन किया। उनका एक नवजात शिशु धननंद था, 3 दिन पहले ही जन्मा था। बच्चे को देखकर मुझे उस पर बड़ा प्यार आया, तभी ब्राह्मण अंदर ही मेरे सोने की व्यवस्था करने लगा, लेकिन मैंने कहा मैं बाहर ही सो जाऊंगा। मेरी हट के आगे ब्राह्मण देव को हार माननी पड़ी, बस फिर मैं सो गया। मुझे ऐसा क्यों लगा कि यहाँ कोई आया था? हाँ, दरवाजा तो बंद है, तो हाँ, कौन हो तुम और इस तरह से? घबराइए नहीं महाराज विक्रम, मैं भाग्य देवी हूँ, उस नन्हे बालक का भाग्य लिखने आई थी। भाग्य? अच्छा अच्छा, लगता है आप भाग्य को नहीं मानते। भाग्य? भाग्य कर्म से बड़ा नहीं होता। मैं आपसे बहस नहीं करना चाहती, यदि आप समझते हैं कि भाग्य कुछ नहीं होता तो ठीक है। वैसे आपने उस बालक धननंद के भाग्य में क्या लिख दिया? इस बालक का जिस दिन विवाह होगा उस दिन सांप के काटने से इसकी मृत्यु हो जाएगी। क्या? नहीं नहीं, आप इतनी क्रूर नहीं हो सकती। महाराज, ये मेरा नहीं, भाग्य का लेख है। ठीक है,
तो सुनिए, मैं इस भाग्य के लेख को मिटा दूंगा, बदल दूंगा मैं। ये तो समय ही बताएगा। बस उसके बाद मैंने ब्राह्मण से कहा कि अपने बेटे के विवाह की सूचना मुझे अवश्य देना, और अब वो दिन आ गया है जब मुझे अपनी चुनौती को पूरा करना है। ठीक है महाराज, मैं भी आपके साथ चलूंगा। ठीक है, चलो। अरे महाराज, ये सब कुछ मैं समझा नहीं। आपके पुत्र की रक्षा के लिए ही ये सभी व्यवस्था है। परंतु उसे क्या हो सकता है? मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ ध्वज, अब वधू पर पैरों के लिए खड़े हो जाएं। नहीं नहीं नहीं, मैं इस तरह हार नहीं मान सकता। नहीं, आप ये सब जानते थे महाराज? हाँ, मैं जानता था। देखिए, आप चिंता मत कीजिए, मेरे होते हुए ये अनर्थ नहीं हो सकता। आप सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि जब तक मैं ना कहूँ, अपने बेटे धनानंद का अंतिम संस्कार मत कीजिएगा। जैसी आपकी आज्ञा महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। आओ मुंजा। यहाँ पर कहीं से मानव रक्त की बू आ रही है। यहाँ तो ये है। रुकिए रुकिए जरा महाराज, मेरे ख्याल से वो सांप अभी यहीं आसपास ही होगा, क्यों ना हम उसे ढूंढ लें? हाँ? इस भयानक जंगल में न जाने कितने सांप होंगे, उनमें से उसे ढूंढना संभव नहीं है। आपके सेवक मुंजा के लिए कुछ भी असंभव नहीं है महाराज। ठीक है, तो करो कोशिश। जी। तुमने क्या किया? अब धनानंद को जीवित कैसे करेंगे? उसका उपाय तो यही बताएगा। परंतु इसे तो तुमने ये लीजिए। मुझे क्षमा कर दे महाराज, मुझे क्षमा करें। यदि तुम धनानंद का विष वापस चूस लोगे तो मैं तुम्हें क्षमा करूंगा। ये तो संभव नहीं है महाराज। हाँ, परंतु एक उपाय है जिससे धनानंद जीवित हो सकता है। वो क्या? यहाँ से 100 कोस दूर राजा कुमारेश के राज्य में एक जगह पर हमारी नागमणि रखी है, यदि वो लाकर धनानंद के माथे से स्पर्श करा दी जाए तो वो जीवित हो सकता है। वो मणि मैं जाकर ले आता हूँ। नहीं नहीं, वो मणि मैं ही ला सकता हूँ। तो चलो, हम तुम्हें वहाँ लिए चलते हैं। नहीं नहीं,
ये संभव नहीं है। वो भी नहीं हो सकता और ये भी संभव नहीं है। नागराज, लगता है आपको अपने प्राणों का मोह नहीं है। आप मेरी अवस्था देख ही रहे हैं, मैं इतना घायल हो चुका हूँ कि किसी भी क्षण मर सकता हूँ। क्या? हाँ, परंतु यदि कोई मनुष्य या जानवर मुझे अपने शरीर में स्थान दे दे तो मैं बच सकता हूँ। अच्छा, ठीक है, यदि ऐसी बात है तो तुम मेरे शरीर में समा जाओ। ये क्या कह रहे हैं महाराज? ऐसा करने से आपके प्राण जा सकते हैं, इसका विष आपके शरीर में फैल जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा तब तक नहीं होगा जब तक मैं ना चाहूँ, और जिस शरीर में मुझे भोजन और आश्रय मिलेगा उसे मैं क्यों खत्म करूँगा? ये ठीक कह रहा है मुंजा। आओ नागराज, समा जाओ मेरे शरीर में। जी। महाराज, महाराज अब ठीक है ना? तुम मेरी चिंता मत करो, चलो हमें जल्दी ही राजा कुमारेश के राज्य में पहुंचना है। जी। आपकी क्या हालत हो गई है महाराज? विक्रम, मान गया, तुम सच में महान हो। इस मामूली ब्राह्मण के बेटे के लिए तुमने अपने प्राण संकट में डाल दिए। वाह राजा, वाह, राजा हो तो तेरे जैसा, वाह। देख ले, तू भी राजा है, कितना फर्क है तुम दोनों में। तुम अक्कार और धोखेबाज है। अपने प्राण बचाने के लिए तू इस निर्दोष की हत्या कर रहा है। ये तो मेरा स्वभाव है। यदि तू चाहता तो अपने स्वभाव को बदलकर नागमणि तक इन्हें पहुंचा सकता था। नागमणि पाते ही ये मुझे मार डालता तो? ये राजा विक्रम है, वचन का पक्का और सच्चा इंसान। खत्म कर दो इसे। नागमणि का रास्ता मैं तुम्हें बताऊंगा। हाँ बताओ। दक्षिण में जो पर्वत है उसकी सबसे बड़ी गुफा में तुम्हें नागमणि मिलेगी, लेकिन जो नाग उसकी रक्षा कर रहा है वो बहुत खतरनाक है। महाराज, इनकी चिंता तुम मत करो। ये लो, इस फूल का रस महाराज को पिला दो। अच्छा तो दो दो, मुझे फूल दो। महाराज, महाराज अब ठीक हो गए महाराज। मुंजा, आज तुमने फिर एक बार मेरी जान बचाई, लेकिन ये महाराज वो सब मैं आपको रास्ते में बताऊंगा। नागमणि का पता चल गया है तो चलो
पहले हमें नागमणि हासिल करना है। आइए। जी को सांप बता रहा था वो बूढ़ा सांप, खोदा पहाड़ निकला चूहा। अरे वो बूढ़ा सांप तो सचमुच सही कह रहा था। कोई बात नहीं, मेरा नाम है मुंजा, मुझसे नहीं कोई दूजा। तुरंत धनानंद को जीवित करना है। चलिए महाराज, आइए। मेरा बेटा। महाराज विक्रम की जय, महाराज विक्रम की जय, महाराज विक्रम की जय, महाराज विक्रम की जय। महाराज विक्रम, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आपने आज सिद्ध कर दिया, कर्म और पुरुषार्थ से भाग्य भी बदला जा सकता है।